हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की सब्ज़ी और इसे हम बहुत ही झटपट बनाकर तैयार करेंगे। तो जब भी आपके घर पर गेस्ट आ जाएं और आपके पास टाइम बहुत कम हो तो आप इस तरीके से इस अरबी की सब्ज़ी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये जो सब्ज़ी है पूरी और परांठों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। घर पर अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 250 ग्राम अरबी। मैंने इन्हें पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। जिस तरीके से हम घर पर आलू यानी पटैटोज़ को बॉईल करते हैं, मैंने इन्हें इसी तरीके से बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें पहले से ही छील कर रखा हुआ है। एंड इसे बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों में हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट एंड हमें चाहिए 1/4 टेबल स्पून अजवाइन, 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च एंड हमें चाहिए 1/4 ग्लास वाटर। मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर यूज़ किया है। तो अभी हम लेंगे अरबी। अरबी को इस तरीके से दोनों हाथों की हेल्प से इस तरीके से दबा लेंगे, जिस तरीके से हम आटे की लोई बनाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी अरबी का साइज़ बड़ा लगे तो आप उसे बीच से कट कर लें। तो अभी मैंने सभी अरबियों को इस तरीके से दबा कर रख लिया है। अभी आप कोई भी कढ़ाई या पैन ले लें एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अभी हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। ऑयल को हल्का सा ठंडा होने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। ऑयल को हल्का ठंडा होने के बाद ही इसमें मसाले ऐड करें, अदरवाइज़ ये जो मसाले हैं वो जल्दी ही जल जाएंगे। इन्हें हल्का सा भूनने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। हल्का सा वाटर डालने से ये जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और अच्छे भुनकर तैयार होंगे। मिला देंगे इसे इस तरीके से एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। तो अभी मैंने इसमें सभी मसालों को ऐड कर लिया है और इन्हें इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से भुनने देंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे जिससे ये जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएंगे और इनसे जो ऑयल है वो भी एकदम अलग हो जाएगा। मसालों को इस तरीके से चलाते रहें। तो अभी आप देख सकते हैं इन मसालों से ये जो ऑयल है वो एकदम अलग हो चुका है और अभी हमारे सभी मसाले अच्छे से भुनकर तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे अरबी एंड इसे मसालों में अच्छे से मिला देंगे। इन्हें इस तरीके से मसाले में अच्छे से मिलाने के बाद इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने दें और इन्हें इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहें। इन्हें इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से भून लें। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी ये जो अरबी हैं वो काफ़ी अच्छे से भुनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अभी हम इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। याद रखें कि जब आप इन मसालों को भूनें तो उस टाइम आप गैस का फ्लेम लो रखें, जिससे ये जो मसाले हैं वो अच्छे से भुनकर तैयार होते हैं और ये ऑयल को भी एकदम अलग छोड़ देते हैं, जिससे हमारी जो सब्ज़ी है वो देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी अरबी की सब्ज़ी एकदम बनकर तैयार हो चुकी है और अभी आप इस सब्ज़ी को सर्व भी कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, इसे घर पर बनाना कितना आसान और ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इस सब्ज़ी को सर्व करेंगे।
तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। मैं इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।